हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इजी स्टिचिंग एंड कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 12 साल की लड़की की स्कर्ट, जिसकी लंबाई रखूंगी मैं 15 इंच, यानी 15 इंच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको रेड बटन पर जाके क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो ये मेरा कुछ बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से आपको बनाना बताऊँगी। ये कपड़ा है मेरा, इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा है मेरे पास। तो इसमें से मैं स्कर्ट बनाऊँगी, आप नाप देख लीजिए। स्कर्ट की लंबाई रखने वाली हूँ मैं 15 इंच, हिप का साइज है 28 यानी 28 इंच, कमर का साइज है 25 इंच, और हिप में मैं 4 इंच की लूजिंग रखूँगी और 2 इंच का मैं नेफा ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि 1 इंच वाली इलास्टिक मैं उसमें डालने वाली हूँ। तो देखिए किस तरह से हम इसे कट करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगी आपको। अब ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसकी लेंथ नापूंगी। पहले इसकी लेंथ नाप लेंगे कितना है, ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी मैं लेंथ 2 इंच का इसमें नेफा मैं प्लस करूंगी ऊपर से, तो मैं इसमें और 1 इंच नीचे कुरपाई के लिए रखूंगी। तो मैं इसे 14.5 काटूंगी, 14.5 पे मार्क किया। इसी तरह 1-2 जगह हम 14.5 पे मार्क कर लेंगे, इस तरह से ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। और जितना ये कपड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स स्कर्ट में जितना ज़्यादा घेर होता है स्कर्ट उतनी ही अच्छी लगती है छोटी बच्चियों की, तो जितना मेरी इस कपड़े की लंबाई है मैं इस लंबाई को पूरी का घेर बनाने वाली हूँ। मैं नाप के आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मीटर लंबाई है शायद इसकी, ये देखिए इसकी 2.25 मीटर लंबा। तो इसके पूरे कपड़े की कटिंग कर दूंगी मैं इस तरह से, लंबा लंबा इसको काट दूंगी। अभी काट के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने ये जितना मेरे कपड़े की लंबाई थी वो सारी लंबाई मैंने निकाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी इतनी लंबाई चाहिए, ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, तो जितना कपड़ा है उसकी मैंने लंबाई निकाली है। अगर कम हो तो वो भी चलेगा, और अगर ज़्यादा हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और ये कर दिया मैंने सिर्फ 4 फोल्ड। अब इसको हम नाप के देख लेंगे, हमारी हिप है 28 इंच, ठीक है। और कमर के अकॉर्डिंग हम इसमें अगर बेल्ट लगाएंगे तो लगेगी 25 इंच की, बट थोड़ी लूजिंग अच्छी रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कभी नीचे से पहनते हैं कभी ऊपर से पहनते हैं। इसमें मैं हुक या बटन नहीं लगाऊंगी, इलास्टिक डालूंगी। तो मैं इसमें 30 इंच की रखूंगी, ये हो रहा है हमारा 19, ठीक है। मेरे आराम से इसमें अच्छी प्लेटें आएंगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका नेफा निकाल लेंगे ऊपर के लिए। नेफा मुझे 2 इंच का चाहिए, ये देखिए इतना, क्योंकि 1 इंच की इलास्टिक 1 इंच से थोड़ा कम है, तो 2 इंच में मेरा आराम से नेफा बन जाएगा। और सिलाई का मार्जिन छोड़ दूंगी थोड़ा सा ऊपर के लिए मैं, और इस तरह से इस पर निशान लगाएंगे 2-2 इंच पे, 1-2 जगह पर सिलाई का मार्जिन छोड़ के, और इसे कट कर लेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे 30 इंच। इसमें 30.5 कर लेंगे, बट कम नहीं करेंगे, लंबाई रखेंगे इसकी 30 इंच। इतना मैं इसे कट कर दूंगी।
चलिए फ्रेंड्स इसे सुनते हैं। अब जो हमने नेफा काटा है ऊपर के लिए जो, उसको हम उल्टा रखेंगे और ये जो हमारा घेर के लिए कपड़ा है उसको हमें सीधा रखना है इस तरह से। और अब इसमें हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। पहले इस तरह से इधर साइड में फोल्ड करेंगे, उसके बाद लगभग 2-2.5 इंच का गैप देते हुए फिर हम कपड़े को उल्टी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे हल्का सा और फिर इसी तरह से प्लेट डालेंगे। पहले हमें अपोजिट साइड में फोल्ड करना है, उसके बाद अपनी साइड में फोल्ड करना है इस तरह से। बीच में हमें डिस्टेंस बिल्कुल नहीं देना है, प्लेटें बराबर डालते जाना है इस तरह से, बिल्कुल एक दूसरे के पास मिला कर प्लेटें डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कोई प्लेट हमारी छोटी बड़ी ना हो। कुछ इस तरह से प्लेटें आएंगी हमारी, जिसे हम प्रेस से इस तरह से जमा देंगे, जो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं जब ओपन होती हैं। तो कुछ इस तरह से आएंगी ये प्लेटें, देखिए। इस तरह से वो सारे कपड़े में और सारे नेफे में हमें ये प्लेटें डाल के कंप्लीट कर लेना है। और हाँ एक चीज़ और, अपने कपड़े के अकॉर्डिंग हमें प्लेटों को डालना है। जितना हमारा कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग बड़ी छोटी आप कर सकते हैं। मेरा कपड़ा ठीक है तो मैं उस हिसाब से डाल दूँगी। ये प्लेटें हमारी इसमें कंप्लीट पड़ गई हैं, देखिए। अब क्या करना है, जो इलास्टिक है उस इलास्टिक का नाप हम कमर के अकॉर्डिंग डालेंगे। कमर है मेरी 25 इंच। तो 25 में मैं 2 इंच कम करूँगी तो मैं यहाँ 23 इंच की इसमें इलास्टिक ऐड करूँगी, 23 या 22.5। आप जैसे ये मेरी छोटी बच्ची की स्कर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ। आप इसमें अगर किसी लेडी का बना रहे हैं तो उसमें आप 4 इंच कम कर सकते हैं या 3.5 इंच कम कर सकते हैं। इलास्टिक को नाप लूँगी और मैं यहाँ पर 23 इंच की इलास्टिक डालूँगी। अब इसके बाद हम इसका अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग नेफा बनाएंगे इस तरह से। अब मैं पहले इसका नेफा बना लूँगी और नेफा हमें इसके ऊपर रखते हुए बनाना है। ये प्लेटों को हल्का हल्का दबाना है इसके अंदर।
कुछ इस तरह से देखिए, दिख रहा है आपको क्लियरली? इस तरह फिनिशिंग के साथ बनाएंगे, हमारी झोल नहीं बननी चाहिए, नहीं फिनिश बिल्कुल भी। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से हमें नेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें मैं इस इलास्टिक को डाल दूंगी। एक पिन की हेल्प से इस तरह से हम इसे इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। उसके बाद हमको इसमें पूरे में सिलाई चलाना है। देखिए इस तरह इसको मैंने सिल दिया है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से हमें कपड़े को इसके बराबर कर लेंगे और यहाँ से हमको सिलाई को चलाना है। थोड़ा पक्का करते हुए चलाएंगे और अब इस पूरे कपड़े को हम बंद कर देंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए ये 5-5 इंच के दो टुकड़े लिए हैं। इनकी लंबाई है 5 इंच और इनकी चौड़ाई है 4.25 इंच। 4.25 का क्या है, आप 4.5 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। मेरे पास इतना ही कपड़ा है तो मैं इतनी रख रही हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी मैं, इसमें से होके इसको पलट लेंगे। और अब इसको बंद कर देंगे इस तरह से। अब इसमें इस तरह से प्लेटें भरेंगे हम, बिल्कुल बीच बीच में प्लेटें भरनी है हमको। और इस पर एक सिलाई चला दूंगी। इस तरह से सिलाई चलाने के बाद एक पट्टी और काटूंगी मैं। अब मैं अपनी स्कर्ट का जो बचा हुआ कपड़ा है वो ले रही हूँ और इसकी मैं लेंथ रखूंगी लगभग 12 इंच और इसकी चौड़ाई रखूंगी मैं 1.5 इंच।
और इसे इस तरह कट कर लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। पैर का मार्जिन देते हुए इस पर एक सिलाई चला लेंगे। और इसे मैं पलट लूंगी। एक सुई और धागे की हेल्प से जिस तरह हम डोरी को पलटते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब इसकी एक तो अब हमको इधर साइड भी सिलाई चलाना है और इधर साइड। ये तितली उठाएंगे अपनी और इस कपड़े को इस पर इस तरह से एक को हमें थोड़ा छोटा रखना है और एक पट्टी को थोड़ा बड़ा रखना है। इसे इस तरह कवर करते हुए इस तरह लगाएंगे हम लगाएंगे और इस पे अपनी स्कर्ट पे एक साइड हम लगा देंगे इसको जो हमारी साइड फ्रंट। इसका बीचा बीच नाप के और मैं से यहाँ पर इस तरह से सुई धागे से अटैच कर दूंगी। सुई धागा ले लिया है मैंने और सुई धागे से इस तरह इसको अटैच कर देंगे। छोटे छोटे टांके देते हुए फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आपको कैसी लगी मेरी ये स्कर्ट की वीडियो, प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। बहुत सुंदर लगती है पहन के, मैं इसका पिक भी लगाऊंगी। तो आपको ये मेरी स्कर्ट बनाने का तरीका अगर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।